जय हिंद दोस्तों। और आज हम बात कर रहे हैं म्यूजिक सिस्टम सुजुकी अर्टिगा, ये जो गाड़ी है इसमें जो आता है म्यूजिक सिस्टम, इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो इसके बारे में चलो बात करते हैं। सीधे चलते हैं इसके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है सुजुकी अर्टिगा में। और इसके बाद हमको जो करना होता है उसके लिए हमको हैंडल की तरफ जाना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन जो बटन दिए हुए हैं, यहाँ पर इसमें ब्लूटूथ वाला जो ये बटन दिया हुआ है ये वाला, इसको मैं प्रेस करना है और यहाँ पर ये आपका जो डिस्प्ले है वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए चेंज बटन दबाते हुए यहाँ पर देखिए सब लिख कर आ रहा है ब्लूटूथ सेटअप। और इस सेटअप पे अब हमको क्लिक करना है एक बार और, यहाँ पर घुमाना नहीं है इसको, क्लिक करेंगे एक बार और करेंगे, पेयरिंग मोड में आ जाता है। पेयरिंग मोड के बाद हमको इसको एक बार और ओके करना है। यहाँ पे देखिए कार ऑडियो पास की आ रहा है। इसके बाद हमको क्या करना है, मोबाइल पे जाना है, मोबाइल पे जाना है। देखिए मोबाइल हमने यहाँ पे उठा लिया। इसके बाद मोबाइल के ब्लूटूथ में ओपन करेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे ब्लूटूथ में और देखिए ओपन करेंगे इसको। बहुत ही सिंपल है और यहाँ पर पहले से कनेक्टेड है इसलिए मैं आपको दोबारा फेयर करके दिखा रहा हूँ। देखिए सर्च मारेंगे ऐसे ही, कनेक्शन फेल्ड वो तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सर्च मारते हैं, तो देखिए ब्लूटूथ में जब अंदर की तरफ गए, यहाँ पे सर्च मारा मैंने, रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर आ रहा है कार ऑडियो। इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद पेयर करना है। पेयर करने के बाद ये डायरेक्ट म्यूजिक बजता नहीं है तो इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखिए। पेयर करेंगे, यहाँ पर पेयर हो गया देखिए कनेक्टेड और एक्टिव भी हो गया। लेकिन अभी आप गाना बजाएंगे तो यहाँ पर इसमें गाना नहीं बजेगा। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये डायरेक्ट कनेक्ट होने के बाद बजने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी गाना आप लगा लीजिए, देखिए फिलहाल मैं बजा रहा हूँ, फुल आवाज़ है लेकिन यहाँ पर अभी नहीं बजेगा। तो कुछ और सेटिंग अभी आगे करनी है, चलिए वो भी दिखाते हैं क्या करना है। आप इतना करने के बाद हमको क्या करना है, मोबाइल को एक तरफ रखिए, ब्लूटूथ पेयरिंग में आपको ये जो बटन है इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, पीछे की तरफ घुमाना है। यहाँ पर गो बैक लिखा हुआ है, गो बैक पर क्लिक करेंगे, एक बार और इसको ट्विस्ट करें घुमाएंगे और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आ रहा है गो बैक, गो बैक पर फिर से क्लिक करेंगे, FM2 मोड में आ गया। यहाँ के बाद अब आपको एक बार फिर से हैंडल की तरफ जाना है, यहाँ पर जहाँ पर आपको ये मोड बटन यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर मोड बटन जो आ रहा है ये वाला, इस पर अब आपको क्लिक करना है। देखिए इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए डिस्प्ले में क्या चेंज आता है, देखिए ये। इसके बाद जो आता है वो आपका ये देखिए VTA ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद ये आपका देखिए बजना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये था, ज़्यादा गाना नहीं बजा सकते, यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम आपका जो ब्लूटूथ ये म्यूजिक सिस्टम है इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया एंड बाय बाय। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।